तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि ज़्यादातर गैसों में जब गर्म करते हैं ना गैस को, तो उसमें से गैस के बबल बाहर निकल जाते हैं, यानी गैस की सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ज़्यादातर गैसों में, मोस्ट ऑफ द सोलिबिलिटी डिक्रीज, ये नीचे एयर डिक्रीज आप पता ही आप लोगों को, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर गर्म करेंगे और वो गैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। वो आगे समझते हैं इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत रेयर होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें सॉल्युबिलिटी क्या बढ़ती है और जब टेम्परेचर भी बढ़ता है तो, लेकिन ये रिएक्शन क्या होती हैं, रेयर होती हैं। अब इसको समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, प्लस वन वाले बच्चे ध्यान से सुने, अगर गैस प्लस सॉल्वेंट दोनों सॉल्यूशन बना रहे हैं और हीट पैदा हो रही है, सॉल्यूशन गर्म हो रहा है यानी हीट निकल रही है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सो ये एक्सो या एंडो था, तो एक्सो में हीट निकलती है बाहर, इवॉल्व होती है। जब सॉल्वेंट के अंदर हम गैस को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है और हीट निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक गैस बोलते हैं। तो लीचैटरी प्रिंसिपल क्या कहता है, लीचैटरी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप गर्म करोगे, देखो गर्म करोगे तो आप इन हीट बढ़ा रहे हो आप, तो अगर आपका हीट बढ़ रहा है तो लीचैटरी कहता है कि रिवर्स प्रोसेस होगी, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो क्या करेगा, हीट को कम करने की कोशिश करेगा, तो गैस क्या इधर जाएगी, इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम का लेफ्ट को शिफ्ट करने का मतलब जो सॉल्यूशन था वो सॉल्वेंट और गैस में अलग अलग हो रहा है, यानी गैस सॉल्वेंट से अलग हो रही है, इट मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम हो रही है। तो आपको समझ आ गया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, दोबारा देख लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब सॉल्वेंट और गैस को डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन बनता है और हीट पैदा हो निकलती है वॉल्व होती है, उनको एक्सोथर्मिक कहते हैं। और लीचैटरिंग क्या करता है कि जो इफेक्ट हम पैदा करते हैं ये जो इक्विलिब्रियम उसके रिवर्स चलता है, हमने क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट दिया हमने, तो हीट देंगे तो इक्विलिब्रियम हीट को कम करने की कोशिश करेगा, और हीट कब होगा जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, तो लेफ्ट को जाएंगे हीट निकल अब्जॉर्व होती है, और जब राइट को रिएक्शन जाती है तो हीट निकलती है इवॉल्व होती है। तो जब हम गर्म करेंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, तो सॉल्वेंट और गैस अलग अलग होंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी, कौन सी एक्सोथर्मिक गैसेस की। तो ये ज़्यादातर गैसेस जो हैं वो जब डिसॉल्व होती है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होती है। ये वाला लिखा नहीं हम लोगों ने, एंडोथर्मिक वाला केस यहाँ पर राइट नहीं किया अभी, सिर्फ लिख ही दिया है, हाँ लिख दिया। सॉल्यूशन को गर्म करने से सॉल्यूशन से बाहर आई, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग हैं, गर्म करने से गैस बाहर आएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कुछ गैसें हैं उनका पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारे को ये दे रखा है हेनरी कांस्टेंट बार किलो बार के अंदर, तो H2 का जो है 293 के ऊपर जो हेनरी कांस्टेंट है वो क्या है 69.16 किलो बार है, ठीक है। तो अब देखिए इन पहले तीनों केसेस के अंदर क्या है, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पे जिसका हेनरी कांस्टेंट, आप देखिए इन तीनों में से जिसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। हेनरी कांस्टेंट कम किसका है, 34 कम है, ये उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, O2 की होगी, दूसरे नंबर पर किसकी आएगी H2 की आएगी, और तीसरे नंबर पर किसकी आएगी N2 की, ये लिखा हुआ है यहाँ पर ऑर्डर लिखा है, O2 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है, H2 उससे कम और N2 सबसे कम, क्योंकि आपको पीछे बताया कि हेनरी कांस्टेंट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उल्टा होती है। अब हम देख लेते हैं कि एक ही गैस लेते हैं, यहाँ भी ये O2 हमने दोनों ले ली, टेम्परेचर अलग अलग कर लिया, टेम्परेचर अलग अलग कर लिया, तो 293 पे हेनरी कांस्टेंट जो है 34.86 है O2 का, और इस टेम्परेचर केल्विन के ऊपर वो 4682 है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है, और हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे आप याद रख सकते हो पीछे बताया था आपको ना, हेनरी कांस्टेंट के उल्टा होगा, हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा हो गया यहाँ क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से, तो O2 गैस है जो वो गर्म करने से उसकी सॉल्युबिलिटी वो क्या होती है, कम होती है। तो ये न्यूमेरिकल है, हेनरी कांस्टेंट O2 का जो है वो कम है, पीछे पढ़ लिया मैंने यहाँ, और O2 का ये 303 केल्विन के ऊपर क्या ज़्यादा है, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर डायरेक्टली होते हैं और सॉल्युबिलिटी वो हेनरी कांस्टेंट की क्या होती है, उल्टा होती है। तो हम क्या पीछे समझ आ ही गया होगा आप लोगों को ना, पीछे भी ये समझ लें हम लोग, सॉल्युबिलिटी हेनरी कांस्टेंट की उल्टा होती है, जिसका हेनरी कांस्टेंट कम सॉल्युबिलिटी ज़्यादा।
तो ये टॉपिक कंप्लीट है अभी।